इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में गलती है, क्या यहाँ पे हमारे बॉलर की गलती है, या फिर हमारे फील्डर की गलती है, या फिर हमारे बैट्समैन की गलती है? टीम इंडिया के लिए आज किसी भी बैट्समैन ने परफॉर्म नहीं किया। अगर मैं रोहित शर्मा की बात छोड़ दूं और केएल राहुल की बात छोड़ दूं और अश्विन और केएस भरत की बात छोड़ दूं तो और कोई चला ही नहीं। और जिनको मैंने अभी छोड़ा है ना, उसमें से सिर्फ रोहित शर्मा को आप ऊपर पे रख सकते हो, क्योंकि वो बंदा यहाँ पे खेलने के लिए आया था और उसने अपना काम करके गया। लेकिन बाकियों का क्या? श्रेयस अय्यर का आप क्या कह सकते हो? क्या मतलब श्रेयस अय्यर खेलने लायक प्लेयर नहीं है? हाँ भाई, वो यहाँ पे जगह खाकर बैठा है चेतेश्वर पुजारा का और रहाणे का, और वो रन नहीं मार पा रहे। और सुमन गिल की तो मैं क्या ही बात करूं भाई, इसकी बात करना मतलब आप कह सकते हो बेकार बात है। सुमन गिल को सच्ची में यार टेस्ट में से उसको दो चार मैचेस से आप ड्रॉप करो, नहीं करोगे तब तक बंदा कमबैक नहीं करेगा। और ये जरूरी होता है कि आपको किसी को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। सुमन गिल ने रन नहीं बनाए गोल्डन डक, श्रेयस अय्यर 13 रन मारे। अगर आप ये दोनों खिलाड़ियों की पिछले 10 मैचेस की हिस्ट्री उठा के देख लो टेस्ट मैचेस में, तो दोनों क्लूलेस रहे, दोनों में से कोई नहीं चला। और मुझे समझ नहीं आता केएस भरत और अश्विन को इतनी जल्दी क्या थी। ठीक है, मानता हूँ विकेट बहुत ज्यादा टर्निंग थी, अश्विन अन्ना ने जब वो चौके लगाए और दो बैक टू बैक चौके लगाए तो मुझे भी लगा था कि यार चलो टीम इंडिया के लिए होप है। लेकिन फिर अश्विन अन्ना बाहर निकल के खेलने के चक्कर में आउट हो, जबकि वो ओवर का मतलब पहला बॉल ही हुआ था लास्ट ओवर का, और आज के दिन का वो लास्ट ओवर था। अब बुमराह अकेला क्या ही कर लेगा, सिराज अकेला क्या ही कर लेगा। मतलब यार आप कह सकते हो कि टीम इंडिया पूरी क्लूलेस थी, ज्यादा टारगेट नहीं था, 230-235 रन का शायद टारगेट था। और टीम इंडिया जो है वो बिखरते हुए नजर आए, मतलब कोई भी खिलाड़ी जो है पूरी देर टिक के नहीं खेले। लेकिन आज के दिन का एंड जो हुआ है यहाँ पे, आप कह सकते हो बुमराह और सिराज क्या ही कर रहे हैं। अगर पांचवें दिन में एक विकेट चाहिए इंग्लैंड को और एक विकेट मिलने के बाद इंग्लैंड की टीम जीत जाएगी। लेकिन अश्विन अन्ना केएस भरत को थोड़ा सा तो यहाँ पे रखना चाहिए था कि भाई आज लास्ट डे है, कल देखा जाएगा, थोड़ा सा रोक रोक के ही खेल लेते। लेकिन शॉट्स मारने के चक्कर में दोनों आउट हो गए। तो आप कह सकते हो यहाँ पे थोड़ी तारीफ बनती है क्योंकि लास्ट में इंटेंट दिखाया, लेकिन वो इंटेंट ही किसी काम का जो इंटेंट आपको मैच में जितवा सके। और देखिए आप लोग में से बड़ा लोग उठ के आएंगे और कहेंगे, ज्ञान देंगे कि भाई तू जाके खेल ले, तेरे को क्या पता है क्रिकेट के बारे में। देखो भाई मुझे नहीं पता है, मेरे से बड़े क्रिकेटर बैठे हैं वहां पे, लेकिन कुछ तो रहना चाहिए ना, कुछ तो प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ तो यहाँ पे फेयरलेस बैटिंग होनी चाहिए। आप बैटिंग भी कर रहे हो, आउट भी हो रहे हो, तो डिफेंस के चक्कर में आउट हो रहे हो। और ये चीजें यशस्वी जायसवाल को अगर हटाओ, वो बंदा फिर फेयरलेस खेलता है टेस्ट में, उसको रोहित शर्मा को हटा दो तो बाकी तो सब डिफेंस में ही आउट हुए। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, केएस भरत और अश्विन अन्ना तो यहाँ पे अटैक करने के चक्कर में आउट हुए। तो अब ये लास्ट डे जो यहाँ पे 182 रन पे जो पारी समाप्त हुई है और कल का जो बचा हुआ है, कल क्या ही हो जाएगा, टीम इंडिया मैच जीतेगी? मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैंने कहा कि टीम इंडिया की हार की जिम्मेदारी जो है वो किसके कंधों पे, कौन है जो टीम इंडिया को यहाँ पे मैचेस जितवा सकता था, आपके हिसाब से बताओ। मेरे हिसाब से सारे प्लेयर अगर अच्छा से खेलते तो मैचेस जो शायद है वो टीम इंडिया जीत सकती थी, लेकिन टीम इंडिया मैचेस नहीं जीती। अभी यहाँ पे देखो अगर मैं बताऊँ तो हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, आप कह सकते हो बहुत लोग जो है वो हमें ट्रोल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिए जो मैचेस है वो आज के दिन मतलब अभी भी मैच चल ही रहा है और आज के दिन में भी एंड नहीं हुआ था, मेरे हिसाब से जो मैचेस है वो बढ़ा दिया गया आगे। लेकिन बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब आपके प्लेयर, इतने काबिल प्लेयर को आप टेस्ट में खिलवाते हो और नहीं चलता है। मतलब श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा की जगह खा के बैठे, अगर दोनों में से कोई एक होता कम से कम भाई 40 रन 50 रन मारता, और दोनों खिलाड़ी जो है एक टक पे आउट हुए, एक 13 रन पे आउट हुए, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूँ। और श्रेयस अय्यर जितना ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है उसको भाई रन मारना चाहिए था, ये बात आप लोग भी मुझसे एग्री करोगे, समझ रहे हो, ये चीज आप लोग भी एग्री करोगे। बाकी देखो रोहित शर्मा को आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो क्लूलेस कैप्टन है, नहीं है। आप लोग देखो मैं एक चीज बताऊं कि भाई कभी भी कप्तान के ऊपर ब्लेम डालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन कप्तान को ही पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, और आज कप्तान को पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। रोहित शर्मा किस कौन सबके ठेका लेके रोहित शर्मा तो नहीं बैठा है ना भाई। टीम इंडिया को आज अच्छा चलना चाहिए था, बहुत ज्यादा बुरा लगा। और कांग्रेचुलेशन तो भाई टॉम हार्टली भाई, जिसने 6 विकेट निकाले भाई, उसको तो यशस्वी जायसवाल ने पहली इनिंग में जो धोया था, आज तो बच गया टॉम हार्टली, नहीं तो भाई उसको रगड़ के रख दिया जाता, या जायसवाल की तरफ से रगड़ के रख दिया जाता। और टीम इंडिया जो है वो अब यहाँ पे देखो मैच खत्म ही होने वाला है, तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया हार ही चुकी है। और इस हार का जिम्मेदार कौन है ये आप लोग में से बता सकते हो मुझे, और कमेंट जरूर करना कि टीम इंडिया की हार की जिम्मेदार जो है वो किसके सर जाती है, क्या कप्तान, बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग।
कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करना और बेल आइकन दबाना।